हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रिलेटिविटी में स्पेशल रिलेटिविटी में और भी बहुत जगह काम आता है, हम लोग रियल लाइफ में बहुत इसका यूज होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब कोई अगर बस जाती है, कोई सपोज कीजिए कि ये बस मूव करती है, कोई एक बाइक वाले मूव करता है और ये कोई ग्राउंड पे है, कोई ट्रेन मूव करता है, सपोज कीजिए कोई भी ट्रेन भी मूव करता है एंड सो ऑन। सबका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होता है। अगर मान लीजिए कोई ये 40 के स्पीड जाता है, 40 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर स्पीड, ये अगर मान लीजिए 90 किलोमीटर के स्पीड से मूव करता है। ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर किसके रिस्पेक्ट में हम देखें कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये कहता है कि अगर इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये अपना अलग कैलकुलेशन देगा, ये अलग कैलकुलेशन देगा, ये वाला अलग कैलकुलेशन देगा। तीनों तीन कंडीशन होता है। लेकिन जब तक अगर हम ये ना कन्फर्म करें कि किसके रिस्पेक्ट में, तब तक मेरा कैलकुलेशन गलत होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कहते हैं। अब इसको अगर बस वाले को अगर हमने मान लिया कि ए बी, मान लिया ए बी ए सी है एंड डी, अगर इसका हमको वेलोसिटी निकालना है डी का, इस डी का किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी ये ए बी सी है, इस सी का अगर हम लोग निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में कि इसके रिस्पेक्ट में कि इसके रिस्पेक्ट में, सिमिलरली इस बी का निकालना होता है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना होगा, उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। या रिलेटिविटी में बहुत काम होता है किसके हम रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमको करना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नहीं तो सपोज की सब डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है, या कोई कहेगा कि यहां से अगर डिस्टेंस ही मान लीजिए, यहां से हमको जाना है, इस पॉइंट टारगेट पे जाना है, इस पॉइंट ए पे जाना है, अगर ये ओरिजिन अगर बी सी डी डिफरेंट, ये कहेगा 2 किलोमीटर से, ये कहेगा 3 किलोमीटर से, ये कहेगा 4 किलोमीटर से, अगर आप ये पूछे डिफरेंस पॉइंट नहीं है, कोई बोलेगा 2 किलोमीटर के और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, सभी सही है। लेकिन ये होता है कि किसके रिस्पेक्ट में, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं तो 2 किलोमीटर, इसके रिस्पेक्ट में 3 किलोमीटर, इसके रिस्पेक्ट में 4 किलोमीटर एंड सो ऑन। कहीं भी अगर चले जाए कोई लोकेशन होता है तो हर एक लोकेशन के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम लोग गूगल सर्च पे भी देखते हैं कि जिस नियरेस्ट पॉइंट ढूंढते हैं उससे कितना दूर है, उससे कितना दूर है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ढूंढते हैं वही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखिए, अगर स्पीड कम होता है तब कितना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो सपोज कीजिए कोई बच्चा अगर ट्रेन में बॉल खेल रहा है तो उसका स्पीड किसके रिस्पेक्ट, जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में अलग होगा, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में अलग होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में होता, अगर यहाँ पे हम लोग एक फ्रेम लेते हैं कि अगर कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो हम लोग जनरली कितना करते हैं उसको एक्स वाई जेड, सबसे हमारे लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आसान होता है बनाना, क्योंकि हम किस जगह डायग्राम बनाना तो मुश्किल होता है। तो ये अगर एक फ्रेम हमने बनाता है कि जो ग्राउंड में ही, ये ऑब्जर्वर हम लोग मान लेते हैं कि हाँ इसके ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और एक दूसरा फ्रेम मान लेते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए ग्राउंड में बैठा होता है, इसको हम लोग बस मान लेते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश, इस फ्रेम को हम लोग जनरली एस मान लेते हैं, इस फ्रेम को अगर हम लोग एस डैश मान लेते हैं, ये एस डैश किसी स्पीड से अगर मूव करती है, सपोज कि यहाँ पे बी स्पीड से मूव करती है किसी स्पीड से, जैसे ग्राउंड पे ये बैठा हो और कोई पार्टिकल्स यहाँ पे है, कोई पार्टिकल पी यहाँ पे, तो पहले पोजिशन कब लोग देते हैं, इसका ऑब्जर्वर कहाँ पे, ओ डैश के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर पोजिशन निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड पे ये हो गया, हमने इसको मान लेते हैं ग्राउंड, ये हो जाएगा बस, और इसको मान लीजिए बाइक वाले अगर रेस्ट में है, जब मोशन में नहीं होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक हमको लेना, अगर पोजिशन वेक्टर निकालना हो तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये पोजिशन वेक्टर हो गया किसका, पी पार्टिकल का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड वाले रिस्पेक्ट में होता है, ये इसका हम लोग फिर निकालते हैं, ये वाला पार्ट ओ डैश के रिस्पेक्ट में, ये वाला जो ओ डैश में होता है, ये हो गया पोजिशन वेक्टर किसका, पी पॉइंट का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एस डैश के रिस्पेक्ट में, जो मूव करता है, और इसका पोजिशन वेक्टर कितना हो जाएगा, यहां से वेक्टर हम लोग निकालते हैं ओ ओ डैश का हो गया, इसको हम लोग निकालते हैं कि पोजिशन वेक्टर किसका, ओ डैश का है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर एडिशन से जानते हैं कि अगर हमको निकालना है यहाँ पे आर पी एस, ये रियल डेट निकालना है, तो यहां से यहाँ पे वेक्टर ये प्लस ये वेक्टर हो गया, ट्रायंगल रोटेशन को जानते हैं, तो यहाँ पे आर पी एस इक्वल टू
कितना ये आरपीएस इक्वल टू होता है कि वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश एस के रिस्पेक्ट में प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एस डैश के रिस्पेक्ट में दोनों के यहाँ पे सम होता है। अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल देते हैं कि वेलोसिटी निकालने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अगर जब डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ये आर ओ डैश का एस के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएट करते हैं टी अपॉन डी टी ये पी का एस डैश के रिस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी निकलेगा इसी पार्टिकल का जब टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करता हूं। सपोज कीजिए बाइक मूव करती है तो यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी पी पार्टिकल का किसके रिस्पेक्ट में एस के रिस्पेक्ट में मतलब किस पार्टिकल का स्पीड हम निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इक्वल टू ये पार्टिकल हो जाएगा ओ डैश का एस के रिस्पेक्ट में स्पीड प्लस ये हो जाएगा पार्टिकल का स्पीड ये वी पी का स्पीड एस डैश के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या निकालते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मूव करता है पार्टिकल उसको करते हैं फिर प्लस उसके रिस्पेक्ट में दोनों को हम लोग वेक्टर सम ऐड करते हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा मतलब पी एस डैश के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो ये वी पी एस डैश ये जो वेक्टर निकालना होगा इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा वेक्टर पी एस डैश माइनस हो जाएगा वेक्टर ओ डैश का एस के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे पी एस डैश जैसे कॉमन था हमने लिया था कि इसके कॉमन हो गया इसके कॉमन हो गया तो दोनों का हम लोग संपर्क जब कॉमन होता है जैसे ये भी एस के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते थे अब देखिए जब घटाते किसको सेपरेट करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा अगर ओ डैश का हम लोग निकालते हैं मतलब पी का निकालते हैं एस डैश के रिस्पेक्ट में मतलब इस बस में कोई बैठा है और जो कोई पैसेंजर बैठा हुआ और कोई बाइक जा रही है तो अगर इसको जो दिखेगा ये कितने स्पीड से जाएगा अब इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये ग्राउंड में है बस का स्पीड अगर मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर्स है और बाइक का स्पीड हो गया 100 किलोमीटर पर आवर्स हो गया तो जब इतना 100 किलोमीटर पर आवर्स के बराबर होता है तो बस का रिस्पेक्ट में किसके हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो जिसके बस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये क्या करते हैं पी एस मतलब एस के रिस्पेक्ट में जो इसका स्पीड है दोनों स्पीड किसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा ये 60 किलोमीटर किसका ग्राउंड के कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यह हमेशा ध्यान रखना कि जब दो का निकालना होता है जिसके रिस्पेक्ट में तो पहले हमको दोनों का जो कॉमन होता है उसके डिफरेंस में पता होना चाहिए तब हम लोग देखते हैं कि बस वाले बाइक के रिस्पेक्ट में निकालते हैं या बस के रिस्पेक्ट में बाइक का कितना होगा जो बस में बैठा हुआ उसको कितना लगेगा ये लगेगा कि पी एस इसका तो एस का है 100 किलोमीटर पर आवर और माइनस इसका ओ डैश का स्पीड कितना जो बस का स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कितना 60 किलोमीटर पर आवर तो इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में इसको लेकर 40 का स्पीड जा रहा है वो अपने सब्ट्रैक्ट कर देता है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको अपना स्पीड घटा देते हैं। इसमें सिमिलरली जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखिए यहाँ पे जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है तो दोनों का हम लोग सम कर देते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई आप यहाँ पे कि इसने कहा 60 के में है रिस्पेक्ट में अगर 40 का और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं 40 हो जाता है। ट्रेन में अगर कोई बैठा बंदा है और ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए किसी का कोई बॉल फेंकता है अगर 20 के स्पीड से फेंकता है तो उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा जो बॉल फेंकता है उसका स्पीड प्लस ट्रेन का स्पीड दोनों को हम लोग सम कर देंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है जनरली जब कोई पानी में स्विम करता है हम लोग करते हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर तो हम लोग क्या करते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में करते हैं ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग करते हैं स्विमिंग का जो इसका स्पीड है करंट का अगर किसी का 3 किलोमीटर पर आवर करते हैं और अगर 2 किलोमीटर पर आवर स्विमिंग का वाटर का स्पीड हो गया ये स्विमिंग स्पीड हो गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वाटर के रिस्पेक्ट में कितना हो गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ग्राउंड वाले को जो उसको लेगा 3 + 2 = 5 किलोमीटर पर आवर तो जो ग्राउंड में है दोनों को सम कर देगा जो मोशन में है वो अपने में घटा लेगा जितना स्पीड में होता है। सिमिलरली बहुत सारे आप मान सकते हैं तो जनरल हो गया 3, 4, 5, 6, 7 मान सकते हैं इसको हम लोग जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं जैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। देखिए इसका हमको यहां निकालना है
इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में एक और अगर सपोज कर लीजिए कि ये भी मूव करता है, कि सपोज कीजिए ये बाइक नहीं है, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि एक फ्लाइट ले जा रही है, इस फ्लाइट में भी क्या होता है कि एक दूसरा अगर बच्चा दौड़ता जा रहा है या नहीं तो एक उसमें व्हील कर रहा है, व्हील वाले चेन पे या उसको जो ट्रॉली मूव करते हैं, इस ट्रॉली मूव करता उसमें भी कुछ एकदम यहाँ पे कोई पार्टिकल से मूव करता, तो सबका रिस्पेक्ट हम लोग एड कर दें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, सबों का हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, वहीं पे यहाँ पे जितना भी कॉमन कर दीजिए सबों का रिस्पेक्ट करना है, इसका जिससे ग्राउंड है सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सपोज कीजिए अगर पोजिशन वेक्टर उनको निकालना होता है, यह कॉमन यहाँ पे बता देते कि अगर यहाँ पे वी इक्वल टू एस के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालना थ्री फोर पार्टिकल्स का, तो सबसे पहले इसको निकाल दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ हमको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, ओ डैश का निकालिए किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे होना चाहिए, ओ डैश का एस के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, फिर वेलोसिटी निकाल देंगे इस ओ डैश के रिस्पेक्ट में इसका कितना स्पीड है, अब यहाँ पे एक एक करते जाइएगा कि ओ डैश के रिस्पेक्ट में यहाँ पे है उसको बढ़ाते जाना है, ओ डैश के रिस्पेक्ट में हमने सपोज कर लिया यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए एस वन कर देते हैं, फिर प्लस वेक्टर सम कर देते हैं, जैसे इसके रिस्पेक्ट में इसका, इसके रिस्पेक्ट में उसका कर देंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में जैसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे S1 हो गया तो S1 के रिस्पेक्ट में निकालना, यहाँ पे हम लोग S2 एंड सो ऑन कर देते हैं, और लास्ट में होना चाहिए जैसे यहाँ पे हो गया कि तो यहाँ पे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए PS करके था, दोनों हमने कर दिया था, ये S S डैश के रिस्पेक्ट में था, अच्छा दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जब कॉमन होता है तो इसको ये देखिए कि ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में, सो हम लोग इसको निकालते जाते हैं, तो जितना भी हम लोग इसको कॉमन भी बना सकते हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग लेंगे, तो मेन कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना अगर ग्राउंड में हम लोग लेंगे तो सबों का जितना होता है रिस्पेक्ट में सबको ऐड कर देंगे, वैसे जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या चेंज ऑफ फ्रेम जो कि इस फ्रेम से देखें, इस फ्रेम से या दूसरे फ्रेम से देखते हैं, ये सब वैलिड होता है जब आपका स्पीड कम होता है, और दोनों में हम लोग टाइम सेम ही लेते हैं, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि जब वहां पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होते हैं जबकि स्पीड लाइट के स्पीड के लगभग बराबर होता है, लाइट का स्पीड होता है लगभग 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 लैक्स के 2.25 लैक्स पर किलोमीटर पर सेकेंड या 2.9 या 0.8 लाइट के स्पीड के 80-90% आता है, तब ये मेरा काम नहीं करता, ये ट्रांसमिशन नहीं होता, तब हम लोग को दूसरा ट्रांसमिशन होता है और उसके लिए हम लोग दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, तब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जस्ट लाइक रिलेटिविटी में हम लोग इसका यूज करते हैं, इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि एक फ्रेम से कई फ्रेम्स हो सकते हैं, किसी भी फ्रेम में हम आराम से इसका निकाल सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको सेपरेट करते हैं, कब करते हैं जब अगर हमको कॉमन किसी फ्रेम में हमको पता होना चाहिए, जिससे ग्राउंड को पता में दोनों होना चाहिए, जनरली हम लोग देखते हैं यूज करने के लिए तभी हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू।